दोस्तों आपका मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? ये मेरा एक जोरा का पौधा है, देखो देखो देखो। इसमें अभी नई ब्रांच नहीं आने शुरू हो, क्योंकि इस टाइम इसमें नई ब्रांच आ जानी चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रहा है? तो इसका मुझे लग रहा है कहीं मिट्टी में कोई फॉल्ट ना हो, इसलिए मैं इसकी आज रिपोर्टिंग करता हूँ। आइए देखते हैं क्या करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो मेरी मिट्टी हाथ से निकल जा रही है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, इससे क्या रूट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती और मिट्टी आपकी बाहर आ जाती है। अगर आप गार्डनिंग करते हो ऐसा एक औजार जरूर रखें। जब भी रिपोर्टिंग करें आप जल्दबाजी कभी मत करें, कि जल्दबाजी में कई बार हम रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं जिससे पौधा ख़राब हो जाता है। और थोड़ा पीछे ऐसे थपकी मार ले, पीछे से मारने गया थोड़ी नीचे से मिट्टी नरम हो जाती है। ये देखो आपको दिखा भी देता हूँ इसकी रूट। ये देखो जड़ तो इसकी बिल्कुल बना ठीक लग रही है, क्योंकि ये देखो कोई फंगस वगैरह नहीं है ना ही कीड़े हैं। हल्के हाथ से इसकी रूट को कर दो, क्यों इसमें मुझे बस एक ही लग रही है कि देखो आपको नज़र आ रही हो नमी की मात्रा ज़्यादा है। थोड़ी सी देर इसको धूप में रख ले, ताकि अगर ओवर नमी की वजह से पौधा ख़राब हो रहा हो तो पौधे को थोड़ी राहत मिल जाए। देखो मैंने इसको धूप में रख दिया है। और मिट्टी सोल अब इसके लिए, ये देखो मेरी पहले वाली मिट्टी, लेकिन ये मैं पूरी यूज नहीं करूँगा, इसमें थोड़ी सी मिट्टी नई मिला लेता हूँ। और दूसरा काम करना है इसमें आपने नीम खली भी मिक्स कर दे। ये तो पहले मैं नीम के एक पाउडर मिक्स कर रहा हूँ, ताकि रूट में कोई प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो जाए। और ये आपको मेरा पता है ये ऑल इन वन आल है, तो इसको भी मैं मिक्स कर दिया। इसमें सरसों की खली, केले के पाउडर का और नीम खली भी है। और ये देखो आपको दिख रही होगी राख भी मिक्स है इसमें मेरी मिट्टी में, और गोबर की खाद भी, क्योंकि ये मैं मिट्टी इकट्ठी तैयार कर लेता हूँ। फिर उसमें सिर्फ वही करना होता है जो पौधे को एक्स्ट्रा जरूरत होती है, वो मात्रा इसमें मिक्स कर देते हैं। मिक्स करना आपने बिल्कुल, ये नहीं है कि राख का कोई बड़ा टुकड़ा पड़ा रहे। मैग्नीशियम सब कुछ होता है राख में, और फंगीसाइड का भी काम करता है, और नीम खली भी फंगीसाइड का काम करेगा, खाद का भी करेगी। तो मिट्टी की कमी से आपको पौधे को ये चीज़ कभी मरने नहीं देगी। अगर आप पे राख नहीं है तो आप हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें। हल्दी भी एंटीबायोटिक होती है और मिट्टी की कीड़े वगैरह आदि से बचाती है। देखो कितनी भुरभुरी है। अगर ऐसा कोई पत्थर के टुकड़े वो भी बाहर निकाल ले। आइए अब इसको रिपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये देखो ये दो छेद मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। अब मैं इसका गमला भी बदल रहा हूँ, कि उस गमले का प्रयोग मैं कहीं और करूँगा। और जब छेद पे आप ठिकरी रख ले तो आपके पास अगर सूखे पत्ते, देखो मैं तो जैसे आपको दिखा भी रखा है, मैं सूखे पत्ते क्लाट कर लेता हूँ। और ऐसी कोई बड़ी टाणी अगर बाई चांस वैसे नहीं होती, लेकिन कई बार आ जाती है, ध्यान नहीं रहता, उसको ज़रूर निकाल ले। गमले के वेट को छत पे आप रखते हो तो हल्का कर देते हैं। दूसरा, ये थोड़ी मेरी वर्मी कंपोस्ट देखो पत्तों की है, ये सबसे बढ़िया खाद होती है। ये भी मिट्टी में मिक्स कर देता हूँ, ताकि पौधे को मिलती रहे। अब ये गमले का वेट तो हल्का करती करती है, उसके अलग आपके पौधे को भविष्य का खाद का भी प्रबंध कर देती है। देखो ऐसे अगर आप एक उंगली से, दो उंगली से भी ठाए तो ले देखो आधा पोट है इतनी मिट्टी में, अगर आप ठा नहीं सकते दो उंगली से, ये मतलब बिल्कुल लाइट वेट हो जाता। ये 6 महीने में जो सूखे पत्ते पूरी तरह कंपोस्ट बन जाएंगे, कंपोस्ट लीफ कंपोस्ट, उससे पौधे को जो भविष्य की एनर्जी है रूट यहाँ से ले सकती है। ऐसा पौधा आपका मरण अवस्था में चलने लग जाए तो आप उसकी रूट को ज़रूर एक बार चेक करें। मैं बार बार कहता हूँ कि ओवर वाटरिंग ना करें। कई बार पीछे मैं टूर वगैरह, मतलब बच्चों ने इसमें ज़्यादा पानी दे दिया होगा, इस ये भी वजह हो सकती है। ये देखो अब इस रूट को बिल्कुल रिलैक्स मिल गया। देखो नीचे वाली रूट आपको कैसी नज़र आ रही है, बिल्कुल हरी, ऊपर से बिल्कुल काली, कि ये ओवर वाटरिंग का रिजल्ट है कि ऊपर से ख़राब होने लगी थी रूट।
रूट मैंने कोई ज़्यादा काटी नहीं है, बस हल्के हल्के हाथ से करी है, जो ज़्यादा डैमेज लगी उसको रिमूव करा। बिल्कुल सेट करके जो आपने मिट्टी तैयार करी है नई वो डालना, ताकि पौधे की रूट पे अब ज़्यादा नमी का इफेक्ट ना रहे, और इसको पकड़ के मिट्टी डालना ताकि पौधा कहीं टेढ़ा नहीं हो, क्योंकि टेढ़ा पौधा कभी भी सुंदर नहीं लगता। मिट्टी बदलने के कई फायदे भी हो जाते हैं, रिपोर्टिंग ये नहीं होती है कि रूट बोंड से ही करना हो, अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा तो उसको रिपोर्ट जरूर करके देखें, अगर ग्रोथ के समय पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा तो उसको चेक जरूर करें। ओवर वाटरिंग कई बार पौधे को ज़्यादा ख़राब कर देगी। देखो मेरी मिट्टी में थोड़ी नमी है, इसलिए मैं अभी वाटरिंग नहीं करूँगा, क्योंकि पौधा भी ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम मुझे लगी थी, इसलिए मैं पौधे में भी अभी वाटरिंग नहीं करूँगा। ये देखो मेरा दूसरा एक्जोरा है, इस पर आपको मैंने कहा था देखो कलिया आ चुकी है, लेकिन कलिया आने के बाद इसमें भी हम एनर्जी के लिए और थोड़ा फंगस के लिए, देखो ये नीम केक पाउडर ये मैंने खुदाई करके पहले ही छोड़ रखा था, जो ये है मेरा ये सरसों की खली और नीम केक थोड़ा इसमें ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं नीम केक अलग गिर रहा, क्योंकि एक बार गिरता हूँ मैं पौधे में जब सीजन बदलता है, प्लस बनाना पाउडर है ये, बनाना पाउडर मैंने अलग भी रख रखा है, क्योंकि जब नई ग्रोथ स्टार्ट होती है तो कैल्शियम वगैरह की जरूरत होती है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद देखो खुदाई मैंने आपको पहले भी दिखा रखी थी, और इसको ऐसे हाथों से देखो मेरी मिट्टी, सारी मिट्टी ऐसी नरम होती है, देखने में तो ये लगता है जैसे सूख गया, लेकिन ये सूखता नहीं है, तो इसलिए उस पौधे में अभी लग एक भी कली नहीं बनी, और इसमें देखो आप कितने पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे आ रहे हैं, इसलिए मुझे उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ी। आपका भी अगर एक्जोरा का पौधा ऐसे सूख रहा है तो आप उसकी रिपोर्टिंग करें, और उसको थोड़ी धूप जरूर लगा दें जड़ को, ताकि वो अच्छी ग्रोथ कर सके, और बहुत सुंदर पौधा है और बहुत लो केयर का है, अगर आपने नहीं लगाया तो आप लगा ले, मैंने आपको मिट्टी सोल भी दिखा दिया, इसको फुल सनलाइट पसंद है, फुल वाटरिंग पसंद है, लेकिन वाटरिंग होल्ड नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उस पॉट में मेरी वाटरिंग होल्ड थी, इसलिए शायद वो अभी ग्रोथ नहीं कर पाया। अब अगली वीडियो में दिखाते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय गार्डनिंग। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो भाई।